हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। हम एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ में 16 चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ एनवायरमेंटल इशू। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हमारे फॉर्म होते हैं। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्जाम हम दे रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्लास ट्वेल्थ में तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन फॉर्म होंगे, दैट एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और जो चैप्टर नंबर 16 है, ये हमारी क्लास 9th और 10th को भी कवर करता है, जो भी हम मैनेजमेंट रिसोर्सेज में हम पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी दो सीरीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज थर्ड सीरीज़ पर चल रहे हैं। लेंथी चैप्टर है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है करने में, बिकॉज सभी पॉल्यूशंस को हमने पढ़ना है। देखो, हमने बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD तक हमने कर लिया था, अब हम कर रहे हैं यहाँ से। फिगर 16.3 जो है हमें बताती है कि कुछ जो चेंजेस होते हैं हमारे नोटिस में, जो हमारे कैसे चेंजेस आते हैं, जैसे हमारे घरों का सीवेज है, कूड़ा कचरा है, वो कहाँ पर जाता है, पानी के अंदर। वो पानी जो है रिवर के अंदर मिक्स हो जाता है जाकर, तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं पानी के अंदर, जैसे फिश है, उनको काफ़ी सारी ऑक्सीजन की नीड होती है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जैसा ही ये सीवेज डिस्चार्ज होगा तो एकदम से उसमें BOD की डिमांड बढ़ जाएगी, जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह वो आकर बैठ जाएंगे। तो जिससे क्या होता है कि ये किसका कारण हो सकता है, मोर्टेलिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड जो है कम, ऑक्सीजन जो है कम हो जाएगी और फिश को जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो फिश की मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गंदा वेस्ट प्रोडक्ट है पानी के अंदर जाता है, वो फिश की मोर्टेलिटी रेट को इंक्रीज़ करता है, मतलब फिश उसमें मर जाती है, और जितने भी वाटर एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं उनकी भी सबकी डेथ हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, अगर ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो गए उस पानी के अंदर, तो उसमें जो है प्लैंकटोनिक, जिसको हम फ्री फ्लोटिंग एल्गी बोलते हैं, जो हरे रंग की जो काई होती है ना, वो जमना शुरू हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। तो क्वेश्चन जो यहाँ से आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम उसको बोलते हैं जब पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ एल्गी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम, दैट इज़ एल्गल ब्लूम। ये क्वेश्चंस जो है बन सकता है। विच इम्पार्ट्स अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज, जिससे पानी का जो है कलर अलग हो जाता है। एल्गल ब्लूम्स कॉज डिटोरिएशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मॉर्टेलिटी, इसकी वजह से भी क्या होता है, फिश जो है या एक्वेटिक जो भी क्रिएचर्स है उनकी डेथ हो जाती है। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, जो कुछ एल्गी है वो ह्यूमन बींग और एनिमल्स के लिए भी क्या होती है, टॉक्सिक होती है। यू मे हैव सीन द ब्यूटिफुल मूव कलर्ड फ्लावर्स फाउंड ऑन द वेरी अपियरिंग शेप्ड फ्लोटिंग प्लांट्स इन वाटर बॉडीज, आपने देखा होगा कि कभी पानी के अंदर जो है काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर्स है वो फ्लोट करते रहते हैं। दीज प्लांट्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर्स हैविंग कॉज्ड हैवॉक बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ बाय कॉजिंग ब्लॉक्स इन आवर वाटरवेज, दे ग्रो फास्टर देन आवर एबिलिटी टू रिमूव देम, दीज आर प्लांट्स ऑफ वाटर हाइकिंग। आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि एक जो है अभी न्यूज़ में भी था कुछ टाइम पहले कि बंगाल में एक मैट बनाई गई है, किससे बनाई गई है, हाइकनिथ से, इसको टैरारो बंगाल भी बोला जाता है। जो ये एल्जी वाला है हाइकिन है, जिसको आइकॉर्निया क्रेस्पियस बोला जाता है, ये वर्ल्ड में मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक्वेटिक वीड है। वीड सबको ही पता है, जो वीड का मतलब क्या होता है, जो किसी और के न्यूट्रिएंट्स को खा जाए, जो किसी के न्यूट्रिएंट्स को खा जाए। तो ये बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, तो इसको टेरर भी बोला जाता है। ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके फूड को खा जाता है, दिस इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन जो है फॉर्म होगा, हु इज नोन एज अ टेरर ऑफ बंगाल, दैट इज हाइस्ट। इससे जो है अभी योगा मैट भी बनाई गई है बंगाल में, जिसका साइंटिफिक नेम है यूकॉर्निया क्रेसिपिस। तो आपसे ये कोई सा भी नेम पूछा जा सकता है। दे ग्रो अबंडली इन द यूट्रोफिक वाटर बॉडीज, ये जो है पूरी मात्रा में जो है यहाँ पे पाया जाता है। एंड लेड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक्स ऑफ द वाटर बॉडी, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। सीवेज फ्रॉम आर होम्स एज वेल एज फ्रॉम हॉस्पिटल्स आर लाइकली टू कंटेन मैनी अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, जैसे हमारे घरों से वेस्ट निकल रहा है या हॉस्पिटल से जा रहा है, तो इसमें अनडिज़ायरेबल जो हम नहीं चाहते ऐसे ऐसे पैथोजेंस, पैथोजेंस का मतलब होता है जिनकी वजह से डिजीज़ होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और वो डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं, वो वाटर के अंदर जा रहे हैं, बिना विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट मे कॉज आउटब्रेक ऑफ सीरियस डिजीज़ सच एज डाइसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस और कॉलरा। तो ये बताया कि इनकी वजह से जो घरों से वेस्ट है जा रहा है, मिक्स हो रहा है पानी के अंदर, तो इससे जो है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो कर रहे हैं और जिससे ये वाली डिजीज़ जो है फैल रही है, डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस और कॉलरा एक्सेट्रा। यहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म होता है कि जो वाटर के अंदर कौन कौन से डिजीज़ है जो फैलने लग रहे, तो इन चारों का नाम याद रखना है हमें। अनलाइक डोमेस्टिक वेस्ट सीवेज, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज जैसे पेट्रोलियम है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग है, मेटल एक्सट्रैक्शन है और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, ऑफन कंटेन, इनमें भी क्या होता है टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसमें हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे हैवी मेटल्स जो है जिनकी, हैवी मेटल्स कौन से होते हैं जिनकी डेंसिटी किससे ज़्यादा होगी, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होगी, जैसे मरकरी है, कैडमियम है, कॉपर है, लेड। तो आपसे पूछा जाएगा हैवी मेटल्स कौन से होते हैं, तो जिनकी डेंसिटी किससे ज़्यादा होगी, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होगी, उसमें कौन कौन से दिए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी में, मरकरी बताया हुआ है, कैडमियम बताया है, कॉपर और लेड, ये सारे भी क्या होते हैं, इनकी वजह से भी जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं इनकी वजह से भी काफ़ी सारी डिजीज़ फैल जाती है। अ फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफन प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट, वेस्ट वाटर्स कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन इन द एक्वेटिक फूड चेन। अब देखो हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन को पढ़ेंगे, फूड चेन के अंदर ये किस तरह से जो टॉक्सिक टॉक्सिक सब्सटेंस है वो इफेक्ट कर रहे हैं। बायो मैग्नीफिकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से पढ़ना है हमें। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे वाटर है, वाटर से जू प्लैंकटन फिर फिश के अंदर गई, तो जो जिसके अंदर जो हमारी ये फूड चेन है इसमें किसकी टॉक्सिक सब्सटेंस की जब अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो अमाउंट भी इसकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा यहाँ पर 0.03 दिया हुआ है, फिर 0.4 हो गया, फिर 0.5 आ गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 25 हो गया, तो इसको बोला जाता है बायो मैग्नीफिकेशन। तो आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय बायो मैग्नीफिकेशन, तो हमारे एमसीक्यू इस तरह से हो सकते हैं, इट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट, इट इज़ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इट इज़ इक्वल या नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंक्रीज, मतलब हर एक लेवल पर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, स्टार्टिंग में वो कम था लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दिस हैपन्स बिकॉज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड बाई एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटलाइज और एक्सक्रेटेड एंड इज दस पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सब्सटेंसेज है वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहे, मतलब हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और ना ही एक्सक्रीट हो रहा है, डाइजेशन नहीं होगा तो उसका एक्सक्रीशन भी नहीं होगा, तो और ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, पास हो रहा है दूसरी जनरेशन में। दिस फिनोमिना इज वेल नोन फॉर मरकरी, ये मोस्टली जो ये फिनोमिना है किसके लिए, मरकरी और डीडीटी के लिए है, ठीक है, ये मरकरी और डीडीटी के लिए है। अगर डीडीटी पानी के अंदर है तो पानी जो भी पिएगा या जो भी उन रहेंगे वो उनके अंदर भी वो सारी डीडीटी की अमाउंट जो है आ जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन होगा बायो मैग्नीफिकेशन किसके लिए है, मोस्टली दैट इज़ फॉर डीडीटी एंड मरकरी, मरकरी को हम HG से भी डिनोट कर सकते हैं। इन दिस मैनर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी इज इंक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। अभी जैसे हमने इस टेबल में देखा वाटर के अंदर 0.03 है, जू प्लैंकटॉन में 0.04 हो गई, स्मॉल फिश में 0.5 हो गई, फिर लार्ज फिश में 2 हो गई, फिश ईटिंग बर्ड्स में 25 PPM हो गई। तो ये धीरे धीरे क्या हो रही है, पार्ट्स पर बिलियन में बढ़ती जा रही है, PPM का मतलब पार्ट्स पर बिलियन। इट कैन अल्टीमेटली टू रीच 25, और कहाँ तक जा रही है, 25 तक, इन फिश ईटिंग बर्ड्स थ्रू बायो मैग्नीफिकेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब कैल्शियम एंड मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। अगर ये DDT की अमाउंट ज़्यादा होती है, हमारा क्वेश्चन यहाँ से आता है, अगर DDT की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई हो जाती है तो वो किसको डिस्टर्ब करती है बर्ड्स के अंदर, कैल्शियम को। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है कि DDT की अमाउंट ज़्यादा हो गई तो वो किसको करेगी, कैल्शियम को, फॉस्फोरस को, सोडियम को, ठीक है, या सल्फर को। तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज़ कैल्शियम, विच कॉज थिनिंग ऑफ, इससे क्या होता है, जो उनकी एग शेल्स है उसको पतला कर देती है, थिन कर देती है, और देन प्री मेच्योर ब्रेकिंग, और उनके जो एग है वो मैच्योर होने से पहले क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं।
इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन द बर्ड पॉपुलेशन, और जिसकी वजह से बर्ड की पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रही है, मतलब वो घटते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो एग सेल्स है, उनकी जो लेयर है, वो ब्रेक होने लग गया, प्रीमेच्योर जो होने लग गए हैं, इससे उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। नेक्स्ट इज यूट्रोफिकेशन। दिस टर्म इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन किसको बोलेंगे, ये जो है नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक है बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर, मींस इससे हमें लेक की जो है एज पता चलती है। इज़ अ नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, कि पानी के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, उससे उस प्रोसेस को बोला जाता है दैट इज़ यूट्रिफिकेशन, नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक। इन अ यंग लेक द वाटर इज़ कोल्ड। जो यंग लेक होते हैं, मतलब जो लेक अभी अभी बनी होती है, उसका जो पानी है वो कैसा होता है, ठंडा होता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, लाइफ सपोर्टिंग होता है, ठीक है। विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जो स्ट्रीम्स है ड्रेन का जो है, ड्रेन जो है, नाले जो है लेक के अंदर जाएंगे, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आने लग जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, विच इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और जिसकी वजह से किसकी हो जाएगी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होनी हो जाएगी, एज द लेक्स फर्टिलिटी इंक्रीज, जिससे लेक की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। प्लांट एंड एनिमल लाइफ बिगन्स, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगिंग टू डिपॉजिटेड ऑन द लेक बॉटम ओवर द सेंचुरीज एज स्लिट एंड ऑर्गेनिक डिब्रिस पाइल अप एंड द लेक ग्रोज शैलोर एंड वार्मर। तो क्या होती जा रही है, देखो हमने क्या बोला, अगर कोई नई नई लेक बनी हुई है तो वो कैसी होगी, उसका पानी कैसा होगा, ठंडा होगा, लेकिन जैसे उसमें दूसरी जगह का पानी मिक्स होना हो जाएगा शुरू, न्यूट्रिएंट्स आने शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स बताए गए हमें NCERT में, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो वैसे वैसे जो है लेक जो है शैलो गहरी होती जाएगी और गर्म होती जाएगी। सो प्लांटिंग दोज दैट द थ्राइव इन अ कोल्ड एनवायरमेंट, जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो ज़्यादा कोल्ड एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, वो इसमें सर्वाइव करना शुरू कर देंगे। मार्स प्लांट्स टेक रूट इन द सैलो, और जो है मार्स की जो मतलब कीचड़ के अंदर जो प्लांट ग्रो करते हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और ओरिजिनल लेक का जो है बेसिन जो है बन जाएगा। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का आना, और इससे क्या पता चल जाता है, लेक की एज पता चल जाती है। एज कैसे होगी, मतलब उसके अंदर सारी क्या होते हैं, लाइफ पॉसिबल हो जाती है, उसका पानी जो है गर्म होना शुरू हो जाता है। लेक गिव्स वे टू लार्ज मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, और इसके अंदर जो है जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो भी आ सकते हैं, कन्वर्टिंग इनटू लैंड डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट। जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है। जो नेचुरल एजिंग जो है लेक की थाउजेंड ऑफ ईयर्स हो सकती है। हाउएवर द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम मैंस एक्टिविटीज़, जैसे हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, होम्स का जो है वेस्ट है, वो सारा क्या होता है, हम उसके अंदर डाल देते हैं। दिस फिनोमिना हैज़ बीन कॉल्ड एज कल्चरल और एक्सक्लेरेटेड यूट्रोफिकेशन, मतलब कि जैसे हमने ह्यूमन ने जो है आर्टिफिशियली तरीके से या फिर ज़्यादा पोल्यूटेंट्स का यूज़ करके जो उसका वेस्ट है वो कहाँ पर छोड़ दिया, रिवर के अंदर छोड़ दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कल्चरल और एक्सलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरीज लेक्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव बीन सेवरली यूट्रीफाइड बाई सीवेज और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, यूट्रीफिकेशन हो गया है इनकी वजह से। द प्राइम कॉन्टेमिनेंट्स आर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, उनके कौन कौन से कंटेमिनेंट्स हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं, जिसको हम नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स बोल रहे हैं, विच एक्ट एज अ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन से जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, दैट इज हमारा फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। और इससे पहले हमने देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ा था, जो हमें बताया गया था कि कौन कौन से, देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही बताए गए थे ना न्यूट्रिएंट्स, तो इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस से क्या बन रहा है, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स बन रहे हैं। दे ओवर स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ एल्गी, और जिनकी वजह से किसकी ग्रोथ हो जाती है, एल्गी की। अनसाइडली स्कम एंड अनप्लीजेंट, और बेकार से उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और ऑक्सीजन जो है डिजोल्व हो जाती है इनटू देयर एक्वेटिक लाइफ। एट द सेम टाइम द पोल्यूटेंट्स फ्लोइंग इनटू द लेक, और जो है पॉइजन की तरह काम करना शुरू हो जाती है, और पॉपुलेशन जो है फिश की कम हो जाती है। विच डिकम्पोज रिमेन फर्दर डिप्लीट द वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन कॉन्टेंट इन सच अ फैशन अ लेक कैन लिटरली चॉक टू डेथ, और फिर ये किस में बदल जाती है, डेथ में बदल जाती है। हीटेड वेस्ट वाटर्स फ्लोइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूनिट्स, एग्जाम्पल जैसे थर्मल पावर प्लांट्स के होते हैं, या फिर
दूसरे पॉल्यूटेंट्स हैं, थर्मल वेस्ट वाटर एलिमेंट्स और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर एंड मे इनहांस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजिनस फ्लोरा एंड फौना। देखो जो थर्मल पावर प्लांट से भी जो वेस्ट है वो कहाँ पर जा रहे हैं, रिवर्स के अंदर जा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ठंडे में ग्रो करते हैं, तो ये क्या करते हैं इसका एनवायरनमेंट वार्म कर देते हैं, हाई टेम्परेचर हाई करते हैं, जिसके ग्रोथ किसकी हो जाती है प्लांट्स और फिश के लिए। किस क्या चाहिए, एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज, ठीक है। और वो किस में हो जाती है, कोल्ड एरियाज में होती है प्लांट्स और फिश की ग्रोथ, बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजिनस, और ये क्या कर देती है फ्लोरा और फौना को डैमेज कर देती है। अब इसकी कुछ केस स्टडीज भी हैं, अभी भी हमारा काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसमें अभी दो क्लास और होंगी बिकॉज ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है। चलिए अभी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम।